अस्सलामुअलैकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एज़ यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड आर न्यू चैप्टर एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ वी हैव डन। ये तीनों चीज़ें हम पढ़कर आ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द पैराग्राफ नंबर 4 अबाउट स्पैन एंड इट्स वीडियो नंबर 19। स्पेन के हवाले से पढ़ेंगे कि स्पेन क्या था क्या नहीं है। स्पेन के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूम हमें यहाँ मिलेगी। स्पेन सिचुएटेड इन यूरोप। स्पेन जो है यूरोप के अंदर है। बिकेम पार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड फ्रॉम 711 टू 1492। यानी कि ये मुसलमानों का हिस्सा रहा कब से? 711 से 1492 तक। ठीक है, तकरीबन अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं तो एक अच्छा वक्त था जो मुसलमानों के पास स्पेन यानी कि इस मुल्क में रहा। लेकिन अब तो खैर ये मुसलमान ममालिक में इसका शुमार नहीं होता, मुसलमान इस यहाँ मौजूद नहीं है। इवन स्पेन वो मुल्क है जिसमें मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी हैं। खैर उसके हवाले से बाद में बात करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। द उमैया डायनेस्टी कंटिन्यूड इट्स रूल इन दिस कंट्री इवन आफ्टर इट वॉज ओवरथ्रोन बाय द अब्बासिड्स एल्सवेयर। अगर इनकी बात की जाए तो ये उमैया डायनेस्टी जो थी उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत जो थी इस मुल्क के अंदर वो जारी रखी। इवन के अब्बासियों इसके बाद जो थे उमैयद के बाद जो थे अब्बासी जो थे उन पर गालिब आ गए यानी आगे बढ़ गए। मुस्लिम डेवलप्ड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कल्चर इन स्पेन। मुसलमानों ने एक अलग सा ही वहाँ पर कल्चर जो था सखावत जो थी उसको तरक्की दी यानी कि उसको बढ़ाया। विच लेटर इन्फ्लुएंस्ड द वे ऑफ लाइफ इन यूरोप। जो बाद में उन्होंने यूरोप की लाइफ को देखते हुए उससे मुतासिर होकर उसको अपने कल्चर को थोड़ा चेंज करके यूरोप के तर्ज पर लेकर आ गया। जैसे कि फॉक्स एंड नाइफ्स फॉर ईटिंग, जैसे कि लोग जो हैं वहाँ के जो मछली और कांटे के ज़रिए खाना खाया करते हैं। जैसे कि अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें या मीन्स हम मूवीज़ देखें तो उन मूवीज़ में जो अगर हम देखा जाए तो लोग तरक्की पसीर समझते हैं ख़ुद को कब, जब वो एक टेबल के ऊपर बैठे हों और टेबल के हाथ में एक हाथ में नाइफ हो और एक हाथ में फॉक हो और जिसके ज़रिए वो नाइफ के ज़रिए उस पीसेस को कट करें और फॉक के ज़रिए खाएँ। कर्व्ड स्लीव्स इन शर्ट के अंदर यानी कमीज़ के अंदर जो स्लीव होती हैं उसके आगे जो एक कफ लगा हुआ होता है, ठीक है, उसका जो रुझान था वो वहाँ से बढ़ा। इवन के कफ पहले नहीं हुआ करते थे, पहले जो नॉर्मली जो जिसे हम कुर्ते की आस्तीन कहा करते हैं यानी कफ जो कुर्ते का हुआ करता है वो हुआ करता था। एंड बेल्टेड ट्राउज़र वर प्रोबेबली ऑल डिवेलप्ड बाय मुस्लिम इन स्पेन। ये और बेल्ट यानी ट्राउज़र दे उनमें पहले बेल्ट नहीं हुआ। बेल्ट से मुराद ये है कि वो एक ख़ास किस्म के जो बेल्ट लगाया जाता है जो कि इलास्टिक वगैरह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पहले ये नहीं हुआ करता था। लेकिन स्पेन के मुसलमानों ने इस चीज़ को क्या करा, डिवेलप किया, बढ़ाया। दे ऑल्सो बिल्ट ग्रेट बिल्डिंग्स। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी अजीम इमारतें भी खड़ी की, इंक्लूडिंग द मॉस्क ऑफ कर्दूबा एंड द पैलेस ऑफ अलहमरा। इसमें शुमार किया जाता है किसका, कर्दूबा की मस्जिद को और अलहमरा के उस पैलेस को यानी कि उस महल को। विच आर बोथ वर्ल्ड फेमस प्लेसेस। ये दुनिया की दोनों ही मशहूर क्या हैं, इमारतें दुनिया में हैं यानी कि ये दोनों इमारतें दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लोग इसके बारे में जानते हैं, लोग पूरी दुनिया के में इसको बहुत फेमस यानी कि उसे देखा जाता है। अगर मीन्स नॉर्मली स्पेन के लोगों के जो आर्किटेक्चर के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर आप शायद देख रहे हों तो यहाँ लिखा हुआ है द आर्किटेक्चर ऑफ द अर्ली एबसिड पीरियड रीअसेंबल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ द एंशंट मेसोपोटामियन पीरियड। यू कैन सी एन एग्जाम्पल हियर मीन्स मीनारत इन इराक। यानी कि इराक के अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है, अगर इस बिल्डिंग को देखा जाए तो आज से कई टाइम पहले यानी कई जो साल पहले इसको बनाया गया। लेकिन इसका बनाने का तरीका अगर इसके बनाने के तरीके को देखें तो ये क्या है, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है जैसे कि आज के दौर में इसे बनाया गया हो। तो ये जो लोग थे पहले से ही क्या थे, बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इन तमाम चीज़ों को फोकस किया। ठीक है, बहरहाल एक इन छोटा सा
पैराग्राफ था जो कि स्पेन से रिलेटेड था। स्पेन में मुसलमानों की एक हद तक एक वक्त तक हुकूमत रही, लेकिन मुसलमानों के ही कुछ ये समझने कुछ गलतियों की वजह से और कुछ मुसलमानों की कमज़ोर होने की वजह से ही मुसलमान जो हैं अपने स्पेन में से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर स्पेन के हवाले से, तो आज के दो इस जिस वक्त में हम रह रहे हैं, स्पेन में मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने पर पाबंदी, नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी है, लेकिन वो हमारी ही कमज़ोरी है। आज मुसलमान जो कमज़ोर हैं वो अपनी ही वजह से, क्योंकि हम अपने ही लोगों पर क्या करते हैं, ताने कसते हैं, हम अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हुआ करते हैं, और इन्हीं वजूहात की इन्हीं वजूहात को रीज़न बनाकर जो गैर मुस्लिम हैं वो हम पर क्या करते हैं, हुकूमत कर लेते हैं या हम लोगों को पीछे कर देते हैं। खैर, रिलेटेड भी स्पेन से रिलेटेड पढ़ा, पेज नंबर 78 हैज़ बीन डन, ठीक है, ये कंप्लीट किया जा चुका है। इंशाल्लाह इससे मज़ीद आगे बाद में पढ़ेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।